हेलो गाइस, मेरा नाम सानवी है और मैं पुणे में रहती हूँ। मैं एक एथलीट और एक स्केटर हूँ और मैं फ़िलहाल LJ स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरी जर्नी की शुरुआत ऑलमोस्ट 2013 में हुई, जब मैं 3 या 4 साल की थी। तब मैं जनरल एक्टिविटी करती थी। जनरल एक्टिविटी होने के बाद हमारा जो क्लास ख़त्म हो जाता था, तभी मेरा एक क्लासमेट था विदांशु, जो स्केटिंग करता था। तो मैं देखती थी बाहर से और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने भी एडमिशन ले ली। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स अटैम्प्ट किए। अटैम्प्ट करने के बाद मुझे बहुत मेडल्स भी मिल गए। अभी मेरे पास बहुत मेडल्स का कलेक्शन है। तो मैंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अटेम्प्ट किए हैं। और अभी उसके बाद मैं जब 6 या 7 साल की थी, तब मेरे कोच ने, दत्ता सर ने, मुझे बोला कि एथलेटिक्स प्रेफर किया मुझे। तो मैंने एथलेटिक्स प्रेफर किया क्योंकि मेरी जो रनिंग स्पीड थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने एथलेटिक्स प्रेफर किया। एथलेटिक्स प्रेफर करने के बाद पहले तो मैं हारती थी कॉम्पिटिशन्स में, पर उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस की तभी मैं कुछ मेडल जीत चुकी हूँ। दोनों भी मेरे लिए इक्वल है क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स मुझे अच्छे से आते भी है और मुझे पसंद भी है। एंड इवन दो मैंने स्केटिंग पहले और एथलेटिक्स बाद में ज्वाइन किया होगा, फिर भी वो दोनों मेरे लिए इक्वल है क्योंकि दोनों में बहुत मज़ा आता है। खेलने में तो काफ़ी बहुत मज़ा आता है, पर उसकी टेक्निक्स भी अलग अलग है। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि दोनों मेरे लिए इक्वल है। और हाँ, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी होता है मेरा, पर इट्स इक्वल फॉर मी। देयर इज़ नथिंग टू मैनेज। मेरा सुबह स्कूल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा स्कूल 7 to 3:30 होता है। मतलब मैं 7 बजे बाहर निकलती हूँ तो 4:30 तक घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद ट्यूशन में होमवर्क एंड ऑल इज़ डन। सो आफ्टर दैट प्ले, doesn't matter now how much time you take to play because I'm done with all my things and आगे फिर से दूसरे दिन वही। So there is nothing to manage in it, right? मैं मेरे रोल मॉडल के बारे में बोलूँगी तो मेरे स्केटिंग में धनुष बाबू, जो एक इंडियन स्पीड स्केटर है, और एथलेटिक्स में है उसेन बोल्ट, जो ऑलमोस्ट सभी के होते हैं। फैमिली ने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया है, बट एक कैरेक्टर होता है ना जो हमें हर बार सपोर्ट करता है फैमिली में, तो वो है मेरा डैड। डैड ने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया है। ही इज़ अ हीरो ऑफ माई लाइफ और ही इज़ अ बेस्ट सपोर्टर टिल नाउ। मैं उसके बारे में बता दूँ तो भी बहुत कम लगेगा। आज तक उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट स्पेशली इन स्पोर्ट्स वो सबसे आगे रहता था क्योंकि उसे स्पोर्ट्स में मुझे हर बार सपोर्ट करना बहुत पसंद था। और उसने कभी मुझे रोका नहीं किसी कॉम्पिटिशन या फिर किसी काम के लिए स्पोर्ट्स में। ही ऑलवेज सपोर्टेड मी टिल नाउ एंड ही विल सपोर्ट मी अहेड ऑल्सो। सो सबसे बिगेस्ट सपोर्टर इन माई लाइफ इज़ डैड। ही इज़ अ वेरी बिग मोटिवेटर फॉर मी एवर। ही इज़ अ वेरी बेस्ट कोच एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ और उन्होंने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया है। एंड ही इज़ लाइक वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एंड येस, आई एम गोइंग टू make his dream true, and he always motivates me very much. He's the best motivator ever I've seen in my life. And even though मैं एक दिन भी नहीं आऊँ ना, तो always he would say like, where is Saanu? When she will come? He will call my dad and ask him what is going on, why didn't she came and all. मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में मोटिवेशन देना चाहूँगी तो यही बोल सकती हूँ कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर फेलियर एंड जस्ट मूव इट अहेड. एंड वन मोर थिंग, स्पोर्ट्स इज़ अमेजिंग थिंग एवर आई सॉ, एंड यू शुड ट्राई न्यू बिकॉज इट्स मेड फॉर यू.